हेलो दोस्तों, भारत के सेमीफाइनल में पहुंचने की बात हजम न कर सका पाक और खाक कुछ ऐसा जिसे सुन आपका भी खोल उठेगा खून। चलिए जानते हैं, वीडियो पूरा देखिएगा। दरअसल दोस्तों, इंग्लैंड को हराने के बाद भारत सेमीफाइनल में पहुंच चुकी है। उसने लगातार 6 मैच जीत लिए और 12 पॉइंट हो चुके हैं। इंग्लैंड की शर्मनाक हार के बाद भारत के सेमीफाइनल में पहुँचने की बात पर पाकिस्तानी खिलाड़ियों ने दिया ऐसा बयान। पाकिस्तान के कप्तान बाबर आजम ने कहा कि घर में सब शेर होते हैं, अगर टीम इंडिया एशिया कप पाकिस्तान खेलने आती तो उसे पता चल जाता, उन्हें होम एडवांटेज का फायदा मिल रहा है। जैसे 2011, 15 और 2019 का वर्ल्ड कप ही देख लीजिए, जिस टीम ने मेजबानी की वो फाइनल जीती। वहीं साइन सायाप्रीति तो पूरी तरह घमंड में चूर थे, बोले अभी हमारे सेमीफाइनल में जाने के रास्ते बंद नहीं हुए हैं, हम सेमीफाइनल में जाएंगे और इंशाल्लाह वर्ल्ड कप हमारा होगा। वहीं मोहम्मद रिजवान ने तो बहुत ही अंग्रेज जवाब दिया, बोले हमारे नसीम शायद चोटिल थे वरना कोई बैट्समैन उनके आगे नहीं टिक पाता। हमें इंडिया की पिचों पर खेलने का कोई भी अनुभव नहीं है, इसलिए हम लगातार हार रहे हैं। दोस्तों मोहम्मद रिजवान बोल तो गए मगर उन्हें ये नहीं पता कि चोट भी खेल का हिस्सा है। हमारे भी हार्दिक पांड्या बाहर चल रहे हैं मगर टीम इंडिया में उनकी कमी नहीं खल रही। अक्षर पटेल और रिच टोपले जैसे खिलाड़ी भी चोटिल होकर बाहर हुए हैं। बाकी दोस्तों आपको क्या लगता है, इस बार वर्ल्ड कप कौन सी टीम जीतेगी, कमेंट करके जरूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड।